शुभांशु अगेन, आपका अपना अंक, एंड मेरे साथ कुछ जूनियर्स हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी अपने आपको आप इंट्रोड्यूस करें। सो दिस इज निखिल कुमार मिश्रा, बी टेक आई टी फर्स्ट ईयर। आर्यन कालखंडे, सी एस फर्स्ट ईयर। वैशाली वाशने, आई टी फर्स्ट ईयर। फेस्टिवल फेस्ट में हमारा स्टॉल भेलपुरी अमेरिकन स्वीट कॉर्न्स। यहाँ पे इन्होंने इसी बहाने प्रमोशन कर दिया, दैट्स गुड, आई लाइक दैट, ठीक है। एंड आज के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँ, तुम लोगों ने अब तक क्या ट्राई करा, जल्दी बताओ। सो हमने अभी गोलगप्पे ट्राई करे यार, बहुत अच्छे थे, एंड अभी भेलपुरी ट्राई करने वाले हैं, वो पेटीएम ले नहीं रहे, तो पेटीएम की कमी आती हुई यहाँ पे इस चीज का बड़ा महसूस करते हैं। इंडिया यार चल नहीं रहा है यार, डिजिटल इंडिया की सही में बात वो है। तीनों साथ में थे, तीनों ने गोलगप्पे ट्राई करे, तब तक सिर्फ गोलगप्पे ट्राई करे। गोलगप्पे कॉर्न और फ्रूट, वो है ना फ्रूट चेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाइजीन लेवल आपको इस फेस्ट में कैसा नजर आ, स्पेशली इन स्टॉल्स, क्योंकि ये फूड है जो आपके अंदर जा रहा है। देखो यार, हाइजीन लेवल मैं सही कहूँ तो उतना हाई भी है नहीं, क्योंकि मुझे गोलगप्पे स्टॉल्स में देखा है मैंने कैसे बन रहे हैं, बट स्टिल यार काफ़ी है, डस्टबिन भी है, अच्छा है। वन वर्ड, 65%। डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन नहीं है, ओके, दैट्स अगेन नाइस फीडबैक। ओके, हम आगे चलते हैं। शुभांशु अगेन मेरे साथ है, वो अपना भी खुद इंट्रोड्यूस करे तो ज़्यादा बेटर है। Hello everybody, I'm Kirti and I'm in the last year of MBA, so we have actually seen this fest a lot, like this is the third time I'm watching this fest and I think it's pretty colorful and the evening is going to be very cool, I think it is again going to have those rising balloons, the hot air balloons that they have, and then there is this poetry competition, I think it's pretty awesome, like there is live performances, then we have an anchor like this, like people are like crazy about, you know, going on cameras and he's giving people chants and everything, so I think it is pretty awesome, food is good, then we have Buddhist people, we would like to like bring them to light because they actually put in a lot of creativity and they make a lot of good dishes, but they are just not recognized, so let's give them a little recognition. So here is my friend Nidong, and she's here to support me in my poetry, and I'll be doing my poetry for the second time, pretty excited and nervous about it, but yeah, let's do it, thank you. थैंक यू सो मच कीर्ति, एंड मैं चाहूंगा, आपने अब तक क्या खाने में ट्राई करा, आपको अच्छा क्या लगा अब तक यहाँ पे? अभी तक मुझे यहाँ पे बुद्धिस्ट का स्टॉल सबसे बेस्ट लगा है, बिकॉज उनकी क्रिएटिविटी सबसे ऑसम है, इन द वे उन्होंने अपने पूरे कल्चर को इतनी सी जगह पे डिपिक्ट किया है, वो बहुत ही बहुत अमेजिंग चीज है, सो आई थिंक आई विल गिव ऑल द क्रेडिट्स टू द बुद्धिस्ट स्टॉल्स। ओके, तो आप लोगों ने जैसे सुना कि यहाँ के बुद्धिस्ट स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं, तो आई रिक्वेस्ट की आप लोग तो वहाँ बैठे, आप लोग खा के नहीं देख सकते, इस चीज का एंजॉय तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड विद दैट। ओके, थैंक यू शुभांशु अगेन, आपका अपना एंकर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर कोई अपना आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे, अपना नाम बताए, किस ईयर से है, कौन सी ब्रांच से है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फेमिलियर फेसेस हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, लोग अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी है, तो प्लीज़ पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। वेल, माय नेम इज अनुभव एंड आई एम डूइंग हियर एमबीए एंड नाउ राइट नाउ आई एम इन सेकंड सेमेस्टर। माय नेम इज गौरव धीमान, आई एम डूइंग एमबीए फर्स्ट ईयर एंड आई एम फ्रॉम सहारनपुर। थैंक यू। Hello everyone, my name is Kanish Kumar, I am from MBA first year. Hey everyone, I'm Shivangi and I'm pursuing MBA and I'm a student of first year. Hello everyone, my name is Akansha and I'm from first year MBA. And first of all, मैं आपसे ऐसे formal question पूछना चाहूँगा, दावेदी जी भी आपका first fest, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, after an अभियंजना, आप कैसे फील करते कि ये सब ऐसे, आपने बैचलर्स कहाँ से करे, आपने काइट कहाँ से बात, शारदा, तो आई थिंक शारदा यूनिवर्सिटी से तो कंपेरेबल नहीं कर सकता मैं, ठीक है, बट आई कंपेयर यू विद, हाँ ये आप सुन रहे हैं, 10 News, प्लीज सुनिए इस चीज को, इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट फेस्ट है और अच्छा है, शारदा से भी अच्छा है, शारदा यूनिवर्सिटी से अच्छा फेस्ट है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का, मार्क द नेम, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब तक आपने क्या क्या ट्राई करा, कुछ नहीं होता ना तो मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के पास, तो भाई खिलाओ खिलाओ, पांच दोस्त है ना, तो मैं पांचों से थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लूंगा। अरे पांच दोस्त है आपके, आप तो यहाँ के सारे ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल, और मैं करने वाला हूँ, प्लीज प्लीज सब कीजिए, इनसे भी करवाइए, इनसे भी सबसे करवाइए, सब ट्राई करेंगे, ठीक है। आपने आपने काला कट्टा ट्राई किया, बहुत अच्छा था काला कट्टा
सेम काला घंटा आया था मैंने तो एज ऑफ नाउ आपको पता है कोई एक और दिन भी है इस टुडे जो इस समय लाइक अभी ऑन लाइक कोई सीरियस नोट नहीं लेके जाना चाहता एज ए लाइक कि हम चेंजेस करना चाह रहे थे हल्का सा ठीक है अभी तक जो इंडिया में चल रहा है दिल्ली में आप लोगों ने सुनते आ रहे हैं ये सब चीज़ें जो चल रही हैं दंगे फसाद प्रोटेस्ट एंड एंटी सब चीज़ें बहुत गलत हैं ठीक है इट्स ए लाइक पीसफुल मार्क ये सब चीज़ें होनी चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स के बीच एक पॉजिटिव मैसेज हमेशा जाना चाहिए तो फेस्ट GBU ये सब फेस्ट इन सब चीज़ों के लिए आपको लगता है कि ये सब फेस्ट कोई हेल्प करता है लोगों को थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल में सोचने के लिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वेल आई थिंक दैट व्हेन वी इंटरैक्ट विद यू नो डिफरेंट पीपल यू नो इट्स अ सर्टेन बॉन्ड व्हिच वी क्रिएट इट्स अ सर्टेन रिलेशनशिप व्हिच वी फॉर्म इन अ पॉजिटिव वे सो इट्स अ गुड थिंग वी ऑल इंटरैक्ट वी ऑल यू नो कम इन अ वी आर फ्रॉम अ डिफरेंट यू नो वी ऑल आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड वी ऑल हैव आर डिफरेंट वर्ल्ड व्यू But then again, we all come together and we interact, and it's a good thing. It's a good process. See, I would like to say something on this. See, one thing we all must understand that whatever personal views on the politics and the nation we might be having, but one thing that we must all be very sure of that we all have to live in this country, and the safety of this country is our responsibility. And a very good philosopher has said that the nation is like a ship. So either we all will sail together or we all will sink together. So keeping that in mind, we all should work towards making India a strong country. And that's what I would like to say. Thank you.